मरने के लिए हर रोज जीना पड़ता है, जीने के लिए हर रोज मरना पड़ता है। जिंदगी तो हर वक्त एक साया मांगती है, उसके लिए एक घर बनाना पड़ता है। हैदराबाद जिनकी जन्मभूमि रही, लेकिन शोलापुर जिनकी कर्मभूमि बनी। अपने जीवन के 38 साल जिन्होंने सोलापुर महानगर पालिका में सेवा की, वे सिविल इंजीनियर अहमद अजीज अहमद रहीमान चंदर की जी। अपने सेवा काल में उन्होंने अपने अनुशासन से शासन की कई सारी योजनाएं पूरी की, जिनमें से 3 योजनाओं को लगातार 3 साल पारितोषिक प्राप्त हुए। अग्निशामक दल और सेवकों के लिए निवास स्थान मंगलवार बाजार के यहाँ, आधुनिक मच्छी मार्केट, दूरदर्शन केंद्र के पास बेघरों के लिए बेघर निवारा केंद्र, ये वो 3 पारितोषिक प्राप्त योजनाएं। इसी के साथ साथ 500 घरों की वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, रमाई आवास योजना, दलित बस्ती सुधार योजना, ऐसी कई सारी शासन योजनाओं पे उन्होंने काम किया और सारी योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी भी की। राजूबाई मैटरनिटी होम, 21 नंबर स्कूल, सह्याद्री शॉपिंग सेंटर की BOT योजनाएं भी अजीत जी के कार्यकाल में ही पूरी हुई। अपने सेवा कार्यकाल में उन्होंने महानगर पालिका के हर डिपार्टमेंट में काम किया है। अपनी पूरी मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन से नौकरी करते हुए अजीत जी ने अपने परिवार की भी सभी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। शादी के बाद उन्होंने अपनी बेगम को भी पढ़ाया। अपने बच्चों की पढ़ाई और उनकी तालीम में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका बेटा शहबाज, जो कि माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर है, उनकी बेटी सोनियारा आर्किटेक्ट है और दूसरी बेटी जोया अली, उनकी शादी हो चुकी है। अजीत जी स्पोर्ट्स के शौकीन है। वे बैडमिंटन की इंटर कारपोरेशन टूर्नामेंट्स के सदस्य रह चुके हैं। अजीत जी के बेटे शहबाज भी अपने पिता की तरह अच्छे बैडमिंटन प्लेयर है। म्यूजिक, ट्रैवलिंग, लिटरेचर भी उनकी हॉबीज है। अपनी नौकरी के कार्यकाल में अजीत जी अपने परिवार को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे, लेकिन अब सेवानिवृत्त होने के बाद अपना पूरा वक्त अपने परिवार के लिए और अपने शौक के लिए वे देते हैं। शोलापुर में पढ़ने के लिए बाहर से आए हुए विद्यार्थियों के लिए उन्होंने इस्लाही फलाही तंजीम बनाई, जहाँ पे विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल, रीडिंग रूम, कोचिंग क्लास, इन सब की सुविधाएं मुफ्त में है। इस एकेडमिक ईयर से एडमिशन्स यहाँ स्टार्ट होंगे। इसी के साथ साथ गालिब अकादमी के भी वे सदस्य हैं। गार्डनिंग का भी शौक रखने वाले अजीत जी के घर का नाम बोस्तान है, जिसका पर्शियन अर्थ बाग होता है। अपने सेवा काल में पूरी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभा चुके अजीत जी को हज की यात्रा कर दी है। नौकरी वर असताना आमच्या मर्जी प्रमाणे आम्ही घरी वेळ देऊ शकत नाही। कसं आहे, आम्ही महापालिकेची सर्व्हिस कसं आहे, आम्ही 24 तास कामासाठी बांधील आहे असा अलिखित नियम आहे। तर त्यामध्ये त्यामधूनच आम्ही जेव्हा कधी वेळ मिळेल तेव्हा आम्ही फॅमिलीसोबत, मुलांसोबत वगैरे काम म्हणजे वेळ घालवायचं आणि त्याच्यातच आपलं ते शाळेचे काम बाकीचं हे निघून जायचं। पण एवढा वेळ भेटत नव्हता, फक्त कधी सुट्टीचा दिवस म्हणजे आम्हाला एकदम खूप महत्त्वाचं असायचं, पण तरीसुद्धा ते आमच्यासाठी खरोखर सुट्टी नसायची, कारण काही फोन आला की आम्हाला ते जावं, कामावर जावं लागायचं। पण आता ते निवृत्त झाल्यानंतर एकदम पुरेसा भरपूर वेळ कुटुंबासाठी, नातवासाठी, मुलांसाठी भेटत आहे आणि जे काही राहिलेली कामं, राहिलेले आपले शौक, वाचनापासून ते फिरण्यापासून ते आपल्या प्रेयर्सपर्यंत सगळे मी आता पूर्णपणे आनंद उपभोगता त्या गोष्टीचा। अपने ऑफिस में, अपने परिवार में और अपने दोस्तों में जो एक आइडल है, वे अहमद अजीज अहमद रहीमान चंदर की जी को स्मार्ट महाराष्ट्र चैनल की ओर से महाराष्ट्र प्राइड अवार्ड देते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है।